Congratulations, you've graduated. He said one day you leave this world behind, so live a life you will remember. Oh, 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 oh. Assalamualaikum everyone. Assalamualaikum everyone, welcome to another vlog. So आज का मेरा vlog बहुत ज़्यादा मज़े का आने वाला है. आज हम आए हुए हैं convocation पे. So आज है मेरा और मदीहा का convocation. So आज हम लोग करने वाले हैं आपके साथ अपनी memories share. So यहाँ पे है हमारा first place. पर बनी हुई वीडियोस वगैरह मैं अभी ये आ गया हूँ. ये मुझे मेडल भी मिला है और साथ मुझे सर्टिफिकेट भी मिला है. इकरा को सिर्फ सर्टिफिकेट मिला है? हाँ जी बिल्कुल मिला है, लेकिन मैंने रख दिया, मुझे कैरी नहीं हो रहा. ओह सर्टिफिकेट इकरा से कैरी नहीं हो रहा, ये लो इट्स ओवर. चलो ये बैग में डालो, ये चीज़ें मेरी, फ़ोन और बाकी चीज़ें बैग में डालो. इकरा का बस यही काम है. मैंने ये ड्रेस स्पेशल लिया था कॉन्वोकेशन के लिए कि मैं कॉन्वोकेशन पे वेयर करूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गए थे जिसकी वजह से मैं लेट हो गई थी. लेकिन इतनी भी लेट नहीं हुई कि मैं कॉन्वोकेशन अटेंड ना कर सकूँ. माइक उठा लो आदमी, छोड़े बस हम मेल के लिए बना लेना. इकरा अगर आप बुरा ना बनाए तो आप गाइस के आगे खड़ी हो. बस ये तो ठीक है. दरमियान में भी बैठूं अपने आप. मदीहा के ऑनर में पूरा हॉल खाली है. हमारा कन्वोकेशन और नहीं इन्होंने भी उतार दिया है. यार मेरी बात सुनो, इस पे पहले सबसे पहले पलेंटी डालो ना. कोई ना बहुत ज़्यादा लग रही होंगी. मेरे हाल से नीचे से बनाना है. तो अभी हम लोगों ने डिग्री ली है और आज हमारा कन्वोकेशन था और आज हम बना रहे हैं व्लॉग आप लोगों को दिखाने के लिए अपने मोमेंट्स, स्पेशल मोमेंट्स. तो यहाँ पे हॉल खाली हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर लंच करने के लिए. बट इससे पहले हम कुछ पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं अभी. चलो एक नई चीज़ें उठाओ. इकरा का काम है सिर्फ मुझे इरिटेट करना. मेरी पूरी क्लास बाहर चली गई और इकरा की वीडियोस खत्म नहीं. मेरी भी क्लास तो बाहर गई है ना सर. अभी हम जा रहे हैं बाहर कुछ पिक्चर्स वगैरह शूट करने के लिए. सारी चीजें मुझे उठवानी है. इसे इसने बैग भी इतना वजनी और ये बुक की करती हूं. इस टाइम हम बाहर मौजूद हैं हॉल में जहाँ पे अक्सर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और मदीहा मेरे सामने. सो अभी इस टाइम मैं गाउन और कैप में मौजूद हूँ और मैं जा रही हूँ कैफ़े की तरफ बिकॉज़ वहाँ से मुझे बैग लेना है अपना, उसमें कुछ चीज़ें हैं. और अभी बसेस भी जाने वाली हैं, स्टूडेंट्स भी आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं. और अगर मैं आपको अपना हाथ दिखाऊँ
अभी इस टाइम पे आपको बहुत ही कम स्टूडेंट्स नज़र आते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, और अंधेरा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, और A few moments later. So, अभी वॉशरूम से थोड़ी सेटिंग वेटिंग करके हम जा रहे हैं कैफे की तरफ। हाँ, हमने जूस कॉर्नर पे हम लोग ने बैग रखवाए हुए थे अपने, अभी 4 o'clock पे वो क्लोज हो जाएगा, और अभी यहाँ से हमने बैग पिक करने हैं और कुछ पिक्चर्स लेनी है, उसके बाद हम चलते हैं घर की तरफ। तो जिन जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा हुआ है उनको पता होगा मेरे व्लॉगिंग करियर का स्टार्ट यहाँ से हुआ था, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के यहाँ पे मेरा फर्स्ट व्लॉग था, और ये सारी मेमोरीज़ ये सारी मैंने आपको शेयर की हुई है। अभी मैं आपको अभी मैं जा रही हूँ मदीहा की तरफ। इस टाइम सब की हालत बिल्कुल डाउन नहीं भी होती है क्योंकि क्लासेस ले गए, तो हम टाइम हम लोग के यहाँ पे क्लासेस वगैरह होती थी, ये टाइम ऐसा होता था जिस टाइम हम बिल्कुल डाउन हुए हुए होते थे, और यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों की कुछ इस तरह की कंडीशन है, और जल्दी चलने की वजह से मेरा सांस खुला हुआ है। अपनी क्लास के साथ वेट कर रही है यहाँ पे, मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे और इसकी बातें नहीं ख़त्म हो रही। फ्रेंड्स ये लोग 2 years के बाद मिले हैं। एक वीडियो बना रही हूँ साथ ही मैं बना लूँगी, बाकी सब कहाँ हैं? यहाँ पे चल रहा है फोटो सेशन। चले अब पैसे पूरे हो गए, हम चले ये डाल दूंगी मैं ब्लॉग में। ये यहाँ पे इसी क्लास के साथ बातें चल रही हैं, और मुझे क्लास याद आ गया मदिया। मेरे लिए नहीं, मैं भाई खड़ा है बाहर, मदिया इधर देखें प्लीज जी। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा, क्रेडिट गोज टू इकरा। मुझे फेक फील हो रहा है यार, बात सुनो। रिटर्न करने गई हुई है और मैं अभी जा रही हूँ, ये चेंज करने के लिए, और मुझे इतनी शदीद प्यास लगी हुई है और दिन का खाना भी अभी मैंने नहीं खाया, और बिल्कुल बस हो गई है मेरी, और इतनी ज़्यादा मैं थक गई हूँ, अभी मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि स्टॉल जो मेरा ख़राब हो रहा है वो भी सेट करूँ। सो साथ साथ मैं आपको बताती हूँ, ये पीछे एक आ रही है, आई डोंट नो कैमरा मुझे शो नहीं हो रहा, वो नज़र आ भी रही होगी यानी, जल्दी आओ एक। अभी हम जा रहे हैं बसेस की तरफ, और मुझे आगे जाने सभी के? जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं, नॉट ओनली वी, सो शी इज गोइंग। सारे जा रहे हैं।
तो ये बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे आके, इतना इशू हो जाता है आते हुए। तो हम इन ड्राइव क्रीम उबर किसी तरीके से भी पहुँच जाते हैं, अगर बस मिस हो जाए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यस, तो अभी इट्स ऑलमोस्ट 4 o'clock एंड यहाँ पे जो ग्रीन वाली बस है शायद हमारी है। 3 buses ग्रीन वाली हैं और अब हमें नहीं पता कि इनमें से हमारी कौन सी वाली है। और इतना क्राउड है यहाँ पे, डेफिनेटली क्राउड होगा क्योंकि यहाँ पे कोई आती नहीं है गाड़ी इतने दूर। कैसा आपको फील हो रहा है बस में बैठ के आज? बस में आप आना आपकी ख्वाहिश थी? मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन यूनिवर्सिटी इतनी दूर है और ये बस हमें घर के करीब तक उतारेगी, तो मैंने सोचा बस में चले जाते हैं, कहाँ एक और गाड़ी चेंज कर लेंगे। आते हुए हम ऑलरेडी खन्ना पुल से करी हैं, मैं बुके के साथ आई हूँ, एक तो 10 मिनट टाइम भी है, एक नया साथ। ये सर्टिफिकेट का क्या करना है?